तो आज आपको अपना गार्डन दिखाता हूँ। बहुत दिनों से गार्डन नहीं दिखाया क्योंकि आज फूल भी ज़्यादा खिले हैं, तो मैंने कहा चलो गार्डन दिखाते हैं। कई दिनों से ना पानी प्रॉपर आने की निकम आ रहा है, मतलब प्रॉपर पानी नहीं आ रहा है, तो खुल के पानी नहीं डल पा रहा है। ये हमारा बैम्बू ट्री है, ये देखो बैम्बू ट्री ना, अब ये ऐसे ऐसे लंबा इतना हो गया कि हमने उसको उधर भी बांध दिया है। ये मनी प्लांट है, और ये मनी प्लांट वो वाला है जो हम वहाँ से लेकर के आए थे पुराने वाले घर से। ये मिर्ची का पौधा है, इसमें देखो आप एक फूल ये रहा, एक फूल ये आया है, और ये दो फूल आज खिले हैं। ये दो फूल मतलब एक था कल, ये तीन चार फूल आज ही खिले हैं। और आपको एक हरी मिर्च भी दिख रही होगी। तो ये मिर्ची का एक छोटा सा पौधा है, इस पे लंबी वाली हरी मिर्ची आती हैं, और एक ये रही तीन चार कल और आ जाएंगी 2-3 दिनों में। ये कड़ी पत्ता, और ये भी मिर्ची का पौधा है, इसमें छोटे साइज की मिर्ची आती है, ये देख रहे हो आप। इसमें छोटे साइज की मिर्ची आती है, पर बहुत तीखी मिर्च होती है। देखो एक ये रही, ये ऐसे यहाँ पर भी है। पानी कम मिलने की वजह से ना पौधे सूख रहे हैं, पर हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल रहे हैं। और उस दिन तूफान आया था तो ये केले का पेड़ गिर गया था, और ऊपर आप देख रहे हो पपाया, इसके हमने पपाया दो उतारे थे उस दिन, तो वो हमने खाए, बड़े मीठे निकले। थोड़ा हरे होने पे निकाल लेते हैं और उसको एक दो दिन अखबार में लपेट के रखते हैं, तो उससे वो एकदम हरा हो जाता है। ये अजवाइन का है, सब सूख रहे हैं, पर वो इसमें सूख इसकी टेंशन नहीं है, क्योंकि ये जैसे मॉनसून आएगा ना सब हरे भरे अपने आप हो जाएंगे, और अभी 2 दिन पानी पड़ेगा तो सब ठीक हो जाएगा। ये भी कुछ उगाया है इन्होंने, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है क्या उगाया है। और ये आम का पौधा है, ये कहीं उगाना है, ये ग्राफ्टिंग करा हुआ है। ये तो मोगरे के फूल का है, ये भी मोगरा है, ये देखो। ये लाल वाले फूल आए हैं कई सारे। ये भी पपाया का है, इस पे भी बड़े बड़े फूल खिलते हैं। और ये जो पीछे देख रहे हो, ये साथ में चिपक के उग रहा है, ये वाला, ये हरे बांस वाला जो है, ये सुपारी का पेड़ है। थोड़े से जब सिस्टम बनेगा ना, जब थोड़ा एक्स्ट्रा में पैसे आएंगे, तो छोटी सी बोट लेकर के यहाँ पे रखनी है, वो जैसे होता है ना कायाकिंग टाइप की, वो आने जाने के लिए, मतलब ऐसे बोटिंग करने के लिए। वो दूसरा गांव है, वहाँ से सोना पहल की सहेलियाँ आवाज़ लगाती हैं, फिर ये इधर से कम्युनिकेट करती है और जाती हैं। ये मौसम्बी का है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये बड़े बड़े कांटे, ये मौसम्बी का पेड़ है। इधर कुछ सफाई करनी है, वो केले के पत्ते वत्ते टूट रहे ना पेड़ से, यहीं फेंक दिए हैं, तो ये सब हटाऊंगा मैं। मुझे थोड़ा सा ना इसको क्लीन करना है एकदम। ये तो मनी प्लांट है, आपको मैंने बताया था मनी प्लांट जब पेड़ के ऊपर चढ़ता है तो बहुत बड़े पत्ते हो जाते हैं, ये सब मनी प्लांट है। ये हमारी तुलसा जी, ये बेल चढ़ गई है तुलसा जी के ऊपर, ये हटानी है। क्योंकि कहते हैं बेल है ना, ये सारे पौधों को ना एकदम खराब कर देती है, उनकी शेप चेंज कर देती है। ये देखो इस पे ये परमल आया है,
ये परमल आया है, ये तुलसा जी, ये तुलसी का पौधा हो गया, ये परमल आ रहे हैं सब, इनको सबको अलग अलग करना है, वो भी सुपारी का है। आज ये तीन फूल खिले हैं, ये डोडो बैठा हुआ है। आपको मैंने बताया था डोडो की हालत, मतलब इसके ऊपर वो गिरी कन्नूस का फल गिर गया था, तब से ये चल नहीं पा रहा है, इसके दोनों पैरों में एकदम जैसे ताकत ख़त्म हो गई ना, वैसा हो गया है। अब उसके लिए हम इसको दिन में तो यहीं रखते, यहीं पे ज़्यादातर इसकी फेवरेट जगह थी, और रात को हम इसको अपनी बालकनी में रखते हैं ताकि सेफ़ रहिए, और इसको ताकत की चीज़ें दे रहे हैं, एक इंजेक्शन का पता कर रहा हूँ वो इसको लगवाना है, तो उसके बाद इसमें ताकत आ जाएगी, तो ये अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। कल तक रोज़ सुबह 5 साढ़े 5 बजे इसकी आवाज़ आती थी कुकड़ू कू की, 2 दिन से वो भी नहीं हमने सुनी। मैं चीटियाँ घूम रही इसके पास, अभी इसको बीच में रखूँगा यहाँ पे छाँव में, थोड़ी देर चलाने की कोशिश करूँगा कि क्या पता चल जाए। ये मनी प्लांट और ये बैम्बू ट्री, ये देखो ये सुपारी है, ये ऊपर से गिरती रहती है, ये सुपारी है। ये सुपारी ना 2 रुपए की एक बिकती है, जब ये इकट्ठी हो जाती है ना होलसेल में, ये 2 रुपए की एक सुपारी, एक पेड़ से इनको 200-300 मिल जाती है ये कच्ची। टॉनी को वो घुमाने लेके गई हुई है, और ये जेरी बैठा है, और वो मिली अंदर शरारतें कर रही है, वो भी खूब खेलती रहती है, मतलब अकेली खेलती रहेगी, कभी पर्दे से कभी किसी चीज़ से। ये कंस्ट्रक्शन चल रही है, थोड़ा कंप्लीट हो जाए तो रास्ता भी क्लीन हो जाएगा। यार डोडो का कुछ करना पड़ेगा, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। वो लगी सुपारी वहां से टूट के गिर जाती कई बार, ये है गिरी कन्नूस का पेड़, वो ऊपर आपको शायद फल दिख नहीं रहा होगा, मैंने दिखाया था किसी वीडियो में वो लगा हुआ फल, ये जो गिरी कन्नूस के फल है ना, यही टूट के गिर गया था डोडो के ऊपर। और ये ड्रम स्टिक का है, वो लंबी लंबी आपको दिख रही होगी शायद, वो ड्रम स्टिक लटक रही हैं, इनको जितनी ज़रूरत होती है उतनी तोड़ लेते हैं और सब्जी बना लेते हैं। आज हवा अच्छी चल रही है, ये भी उस दिन तूफान आया था ना, देखो केले का पेड़ ये भी गिरा पड़ा है, ये सब सूख गए ना, गिर गया था, पर ये तूफान, इनका गिरना, इनका टूटना, फिर वापस उगना, ये सब प्रोसेस है यहाँ का। तो ये अपना छोटा सा गार्डन है, अभी ज़्यादा हरा भरा नहीं है, कई दिनों से बहुत ढंग से पानी नहीं डला है। देखो ये भी छोटी मिर्च, ये छोटी छोटी मिर्चें ना, ये बहुत तीखी हैं, और इसमें आती है लंबी वाली मिर्च, तो चलो दोस्तों देखो तितली आई। ओके गुड बाय, छोटा सा गार्डन, हो सकता है आपको देख के अच्छा लगा हो, आज हवा बहुत चल रही है।